अब राम नगरी अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को चंद दिन ही बचे हुए हैं। भक्तों की बेकरारी अब बढ़ती जा रही है। 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामनगरी अयोध्या से जुड़े कई और कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, जिसके साथ ही बॉलीवुड सितारों को भी प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मिल रहा है। कई सितारे प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर परफॉर्म भी करेंगे। वहीं कई सितारे पहले से ही अयोध्या में पहुंच चुके हैं और वहां अपने परफॉर्मेंस कर रहे हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो रही है, जिसमें हेमा मालिनी माता सीता के रूप में परफॉर्म करती दिखाई दे रही हैं। पहले ही खबर सामने आई थी कि हेमा मालिनी रामायण की प्रस्तुति करेंगी। इसके अलावा वो अपने क्लासिक डांस से लोगों का मन मोहती नजर आएंगी। इसी कड़ी में उन्होंने आज प्रस्तुति दी है। जैसे ही राम मंदिर उद्घाटन समारोह की तैयारियां जोरों पर है, वैसे ही अयोध्या में परफॉर्मेंस भी जोरों पर चल रही है। अयोध्या में हेमा मालिनी ने परफॉर्म किया, जहां हेमा मालिनी माता सीता बनी नजर आई। वहीं विश्वनायक ने भगवान राम का किरदार निभाया। हेमा मालिनी और विश्वनायक एक साथ राम और सीता के रूप में दिखे। ड्रीम गर्ल के साथ परफॉर्म करने का मौका विश्वनायक के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। विश्वनायक टीवी इंडस्ट्री के जाने माने कलाकार है। हेमा मालिनी और विश्वनायक के साथ जगत गुरु राम ब्रह्मचार्य भी नजर आए। हेमा मालिनी के इस लुक की बात करें तो वो बेहद खूबसूरत लग रही हैं। उनका अंदाज बिल्कुल माँ सीता जैसा ही है। उन्हें लाल साड़ी और हैवी ज्वेलरी पहने देखा जा सकता है। वहीं विश्वनायक और उनके बीच एक लंबा एज गैप जरा भी नजर नहीं आ रहा है। बता दें, अयोध्या में रामलीला जारी है। लगातार सितारे और राजनेता इसे देखने पहुँच रहे हैं। इतना ही नहीं, टीवी के रामायण के राम, सीता और लक्ष्मण यानी कि अरुण गोविल, दीपिका चिखलिया और सुनील लहरी पहुंचे हैं। आप भी देखिए ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी का सीता बने ये रूप। फिलहाल हमारे इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।